नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसान, बेनतीजा खत्म हुई आठवें दौर की वार्ता। 8 जनवरी को फिर होगा कानून पर अगली बैठक। धान की खरीदे पर सियासी संग्राम, भाजपा महासचिव पूर्ण देशवीरी का कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने किया पलटवार। बलरामपुर में सचिवों की हड़ताल जारी, ग्राम पंचायतों का कामकाज पड़ा ठप, शासकीय कारण की मांग पर अड़े हड़ताली सचिव। बलौदा बाजार में धान खरीद केंद्र में अव्यवस्थाओं का अंबार, बारदाना नहीं होने से किसान परेशान, एमएसपी पर नहीं हो रही खरीदी। जांजगीर में नकली नोटों का सौदागर गिरफ्तार, 200 रुपए के 13 नकली नोट बरामद, प्रिंटर के साथ नोट बनाने वाले का माल भी जब्त। बेमेतरा में प्रशासन की लापरवाही, जान पर भारी, सड़क निर्माण के लिए छोड़े गए गड्ढे में गिरने से युवक की मौत, परिजनों ने किया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बालौद से बता रहे हैं। 12 घायल, कई लोगों की हालत नाजुक, सभी घायलों को बालौद जिला अस्पताल में इलाज जारी। अंगार मोती से लौटते के दौरान हुआ है हादसा, बालौद थाना क्षेत्र के घोटिया चौक झलमला की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर बालौद से बता रहे हैं, जहां पर 22 लोगों से भरी पिकअप गाड़ी पलटी है। 12 घायल, कई लोगों की हालत नाजुक, सभी घायलों को बालौद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अंगार मोती से लौटने के दौरान हुआ है यह हादसा। बड़ी खबर आपको बालौद से बता रहे हैं, जहां 12 लोग घायल हो गए हैं, सभी घायलों को बालौद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, पिकअप पलटने से यह हादसा हुआ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यह पिकअप पलटा है, जिसमें लगभग 20 लोग सवार थे, जिसमें 12 लोगों से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला बालौद में, अनियंत्रित होकर सवारियों से भरा वाहन पलटा है। 22 लोगों से खचाखच भरी थी पिकअप, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से अनियंत्रित होकर यह पिकअप पलटा है। किसान संगठनों के साथ सरकार आठवें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 8 जनवरी को होगी। बता दें कि दिल्ली सीमाओं पर किसानों का आंदोलन कड़ाके की ठंड में पिछले 40 दिनों से जारी है। किसान कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान संगठनों ने नेताओं ने बताया है कि हम कृषि कानून निरस्त करने पर जोर दे रहे हैं और सरकार अब आंतरिक विचार विमर्श करने के बाद आएगी। बैठक में किसान संगठन शुरू से ही 3 कृषि कानून को निरस्त करने की मांग पर अड़े रहे, जबकि सरकार की ओर से मंत्रियों द्वारा कानूनों के फायदे गिनाए जा रहे हैं। पहले घंटे की बातचीत के दौरान सिर्फ 3 कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हुई और अनाज की खरीद से जुड़ी न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रणाली को कानूनी गारंटी देने की महत्वपूर्ण मांग पर चर्चा नहीं हुई और शाम होते होते बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसान यूनियन 3 कानून के प्रावधान पर चर्चा करे। हम किसी भी समाधान तक नहीं पहुंच सके क्योंकि किसान यूनियन कानूनों को निरस्त करने पर अड़े रहे। तोमर ने कहा कि आज ही की चर्चा देखते हुए मुझे आशा है कि अगली बैठक के दौरान हम सार्थक चर्चा करेंगे और हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 जनवरी को फिर से वार्ता होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार के मन में किसानों के लिए संवेदना है, सारे देश को ध्यान में रखते हुए सरकार कोई निर्णय लेगी। आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया, लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी। अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो
तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। पूरे देश को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देश में करोड़ों किसान हैं, उनकी अपनी भावनाएं हैं, उनके कानून के लाभ और हानि और हित उससे जुड़े हुए हैं, तो सरकार तो देश भर के किसानों के प्रति प्रतिबद्ध है ना। किसानों सरकार की वार्ता एक बार फिर बेनतीजा रही है। सरकार से बातचीत के बाद लौटे राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 8 तारीख में फिर बातचीत होगी, ठीक है, और दोनों चीजों पर बातचीत होगी। आज मीटिंग में ये हुई कि जो 3 बिल हैं उस पर बातचीत हुई, और दोनों उसमें लंच से पहले और लंच के बाद में भी उसी पे बातचीत हुई, और फिर दोनों इशू पे MSP और 3 कानून को वापसी लेने पे यह है कि उन्होंने सरकार ने कहा कि हम 8 तारीख में फिर हम बात करेंगे। और दे दें तो हम क्या कहीं जा रहे हैं, हमको घर नहीं जाएंगे, बता दिया कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अरे अच्छा, बातचीत करने तो अपनी जाएंगे भाई, सलाम मशवरा करेंगे, इनके कोई हाथ में कोई तनातनी नहीं। हमने साफ कह दिया बिल वापसी के बगैर कोई वो नहीं है। अरे लेगी, जितना जल्दी ले लेगी उतना आराम मिलेगा सरकार को। हाँ, खबर रायपुर से। धान के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ में पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति तेज हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने आरोपों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह पलटवार करते हुए कहा कि एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि रमन सिंह गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये खुद बार बार अपनी बातें बदलकर गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। मैं आज भी ये कहना चाहूंगा कि आज तक किसानों को घोषणा पत्र के अनुरूप 2500 रुपये की धान खरीदी का पैसा किसानों को नहीं मिला। विधानसभा में भी यही आरोप मैंने लगाया था और अब भी मैं कायम। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मार्कम ने धान के मुद्दे पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 15 दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी विशेषकर भाजपा के नेताओं की ओर चल रहा है, उससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज्य की धान खरीदी को बाधित करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि डॉक्टर रमन गलतफहमी पैदा कर रहा है और ये बार बार अपने बयान बदल के अपनी छत्तीसगढ़ की जनता को गलतफहमी में डालने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ पहले 3 रोज पहले केंद्र सरकार का विरोध और आज केंद्र सरकार को धन्यवाद देने के लिए पत्र लिख रहे हैं, और ये कहा जाता है कि आज डॉक्टर रमन ने कहा कि 2500 रुपया धान खरीदी की बात विधानसभा में कहा। मैं फिर से कहना चाहूँगा, 8 तारीख तक छत्तीसगढ़ के किसानों के चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था 2500 रुपये में धान खरीदी हम करेंगे, 8 तारीख तक पिछले साल के धान का पैसा किसानों को नहीं मिला है। धान खरीदी को लेकर PCC अध्यक्ष मोहन मार्कम ने पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 15 दिनों से जो घटनाक्रम बयानबाजी का विशेषकर भाजपा नेता चला रहे हैं, उसमें एक बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता राज की धान खरीदी को बाधित करने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं और भाजपा की केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ भाजपा के नेताओं के मंशा के अनुरूप धान खरीदी पर तमाम तरीके के अड़ंगेबाजी लगा रही है। राज्य सरकार के द्वारा FCI को चावल जमा करने के अनुरोध पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना में किसानों को बोनस तो नहीं दे रहे, यह सवाल पर केंद्रीय खाद्य मंत्री क्यों पूछ रहे हैं, जबकि राज्य सरकार ने साफ कर दिया था कि यह किसानों की सहायता राशि है, ना कि धान का बोनस। धान खरीदी प्रति क्विंटल में होती है, न्याय योजना सहायता प्रति एकड़ में दी जा रही है। मारपेट विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेती है।
इसका ब्याज सही वापसी मार्केट करता है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल 4 जनवरी को कोरबा प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय से जारी प्रोटोकॉल के मुताबिक विधि कार्यालय में शामिल होंगे और वहीं जिले के वासियों को 836 करोड़ रुपए की अधिक से की सौगात देंगे। 883 विकास कार्यों का भूमि पूजन, लोकार्पण तथा सामग्री वितरण भी करेंगे। इधर सूबे के मुखिया के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की टीमें अलर्ट पर हैं और सुरक्षा को लेकर 1100 जवान तैनात किए गए हैं जिससे सुरक्षा व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की चूक ना हो सके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू प्रथम आगमन पर गरियाबंद पहुंचे, जिनका स्वागत गरियाबंद नगर पालिका अध्यक्ष गफ्फार मेनन के नेतृत्व में बाजे गाजे के साथ किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने प्रदेश कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मेरे गरियाबंद जिले में प्रवास हुआ। पिछले कार्यकाल में प्रदेश का मंत्री था, उस समय भी मैं निरंतर इस गरियाबंद जिले के सभी मंडलों में लगभग मेरा प्रवास रहा, जिले के कार्यक्रम में मैं आता रहा। मगर आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार मैं यहाँ के निवास रत मेरे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के प्रत्येक सदस्यों से एक मुलाकात और एक स्नेह एक आशीर्वाद लेने के लिए और सांस लेने के लिए जिले में मेरा आगमन हुआ है। निश्चित ही जिस प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी सदस्यों ने मेरा आत्मीयता से स्वागत किया। बताइए, निश्चित ही आज अमित साहू जी का नगर आगमन हुआ, इसमें कार्यकर्ताओं में उत्साह आया, युवाओं में उत्साह आया और निश्चित ही हमें ऐसा लगता है कि अब हमारी सरकार फिर से आएगी और पूरे प्रदेश में युवाओं में ऊर्जा है अमित साहू जी की नियुक्ति के बाद। भाजपा महामंत्री डी पुंडेश्वरी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज बालोद बाजार रहे और भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को 2023 की विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की बात कही। वहीं उन्होंने भूपेश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस केवल चुनावी वादे करते हैं, उनको निभाने नहीं आती और सभी जगह फैल साबित होती है, फिर भी भूपेश सरकार कहती है कि केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विकास की गति दे रही है और छत्तीसगढ़ सरकार विनाश को। अब जनता तय करेगी कि आने वाली सरकार किसकी होगी। एक तरह यहाँ का प्रशासन कहती है कि भाजपा किसानों के अगेंस्ट है, उनके हित में नहीं है, इसीलिए उन्होंने वो 3 संशोधन बिल लेके आए जो किसानों के हित में नहीं है। पर किसान समझते हैं, किसान भाई समझते हैं कि ये बिल्कुल उनके हित में है, क्योंकि जो भी किसान मांगते थे, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते थे, वो उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा अब इस बिल के थ्रू उनको ये लीनियंस दिया गया कि जहाँ पे भी देश में उनकी जो उत्पादन है उनकी अच्छी प्राइस है तो जहाँ पे भी वो बेच सकते हैं, जो पहले नहीं था। अब तक तो आपने कई तरह की मारपीट के केस सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, बालोद जिले के डोंडी थाना क्षेत्र के ग्राम ठेमा बुजुर्ग गांव में एक व्यक्ति को अपनी पत्नी के खिलाफ थाने में शिकायत करने पहुंचा। उनकी बातें सुनकर एक पल के लिए तो पुलिस को भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन जब शरीर में चोट के निशान दिखाए दिए तब पुलिस को मामला दर्ज किया। दरअसल ठेमा बुजुर्ग निवासी चतुर सिंह निषाद ने डोंडी थाना में जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे रस्सी से बांध कर बुरी तरह पीटा। उन्होंने पुलिस को अपने शरीर पर चोट के निशानों को भी दिखाया। रात में देर हो जाने के कारण अपने रिश्तेदार के घर रुकने से नाराज पत्नी ने सुबह घर पहुंचकर उसकी रस्सी से बांधकर बुरी तरह पिटाई कर दी। बुजुर्ग है जहां पर एक चतुर सिंह नाम का व्यक्ति है जिसने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि उसकी पत्नी ने रात में नहीं घर नहीं आने के कारण उसको रस्सी से बांधकर बहुत मारपीट किया जिससे उसको चोटें आई है और उसके बतायानुसार FIR दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है और महिला को जल्दी गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाएगी। खबर जगतपुर से है जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बस्तर का दौरा किया। इसी दौरान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने 88 मामलों की सुनवाई की। इन 88 मामलों में 71 मामले सिर्फ
NMSG के खिलाफ दायर किए गए थे। बता दें कि NMDC के ऊपर आरोप है कि मुआवजे के रूप में नौकरी देने के MSG प्रबंधन द्वारा लड़के और लड़कियों के भेदभाव किया जा रहा है। जिला कार्यालय में प्रेरणा समक्ष कक्ष में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महिला आयोग के अध्यक्ष ने किरणमयी नायक ने कहा कि मामले को लेकर NMDC ने कुछ समय मांगा है, जिस पर आयोग द्वारा नियत समय पर MSG को दिया गया है। यहाँ पर कुल 88 मामलों को लेकर आए हैं, जिनमें से 71 मामले केवल NMDC के खिलाफ हैं। इन सभी मामलों में एक जैसी ही याचिका है कि नौकरी देने में NMDC ने बेटे और बेटी में भेद किया है, बेटों को नौकरी दी है और बेटियों को नौकरी से विमुक्त रखा है। इस यह कॉन्स्टिट्यूशनल भी उल्लंघन का मामला है और इसलिए इस पूरे मामले पे लंबी चर्चा जारी है। अभी भी NMDC ने समय मांगा है और उसके बाद अभी सुनवाई जारी रहेगी। इसके अलावा 17 मामले और हैं जिन पर पुराने मामले थे, उनकी भी सुनवाई अभी होनी है। कई मामलों पर सुनवाई हो चुकी है। बलौदाबाजार जिले के प्राथमिक कृषि केंद्रों में पिछले कई दिनों से बारदाना नहीं होने के चलते धान खरीदी लगभग बंद हो गई है, जिससे किसान परेशान हताश हैं। बता दें कि कसडौल विकास खंड के प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में पिछले 4 दिनों से बारदाना नहीं होने के कारण किसानों को समर्थन मूल्य में धान बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन के द्वारा बारदाने की कमी को देखते हुए किसानों के बारदाने से धान खरीदी करने का आदेश समितियों को जारी कर दिया गया है, लेकिन किसानों के पास जूट के बारदाने नहीं होने से किसान धान बेचने के लिए भटक रहे हैं। परेशानी तो बहुत है, परेशानी बिना के थोड़ी होगा, ना तो बोरा दे रहे हैं ना तो परेशानी किसान को, हम तो कुंभड़ा बन गए ना, देख कुंभड़ा को खाड़ा में लगाओ तो किसान ही कटेगा, खाड़ा को देखो कुंभड़ा में लगाओ तो किसान, हम ही लोग कट रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बोरा के लिए, क्या बोल रहा है बोरा के लिए, बोल रहे हैं बोरा ले आओ खरीद लेंगे, भाई मार्केट में जा रहे हैं 50 रुपये 60 रुपये बोरा मिल रहा है, इधर भी किसान का नुकसान है, इन लोग 15 रुपये देंगे बोल रहे हैं, तो किसान का तो इधर से भी गए उधर से दोनों तरफ से जा रहे हैं ना। हाँ, समिति में अभी तो बारदाना निरंक है, नहीं आया है और आदेश है कि किसानों के बारदाना में खरीदी करना है। कब से समिति में बोरे की कमी है, कब से बारदाना? अब कल से, परसों से बंद है समिति में, बारदाना नहीं है और कल से अपन किसानों के बारदाना में ही खरीदी कर रहे हैं। कितना प्रभाव हो रहा है, प्रभावित हो रहा है इस धान खरीदी? बहुत प्रभावित हो रहा है। अच्छा, अपन यहाँ 1600 कुंटल पर डे के खरीदी होना था, वो 700-800 कुंटल हो रहा है। हाँ, बाहर से जो है धान जो बारदाना है उसकी कमी, अभी सप्लाई में कमी है जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। तो अभी कई प्रकार के उसके लिए उपाय किए गए हैं, जैसे अभी किसानों से के बोरे से भी खरीदी का प्रयास हो रहा है हम लोगों का। दूसरी बात यह है कि जिस प्लास्टिक बोरे से राइस मिलर को गया है उसके भी प्लास्टिक बोरे से दोबारा खरीदी का भी शासन से परमिशन मिल गया है, सॉफ्टवेयर में प्रावधान हो रहा है, तो राइस मिलर से जब ये प्लास्टिक बोरे वापस हमको मिलने लगेंगे तो वो समस्या कम हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों पंचायत सचिवों का हड़ताल जारी है। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक के 69 पंचायतों के सभी सचिवों द्वारा हड़ताल जारी है, जिसमें पंचायत का काम पूरी तरह ठप है। शासकीय कारण को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हड़ताल देखने को मिल रही है। ये वादा किए हैं जो है ना, और आज 2 साल होने जा रहा है, ये वादा हम लोग का जो है ना भूल गए। 2 साल पूरा हो चुका, तो हम इनको माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि 2रा साल कर्मचारियों का, तो हमारी मांग को गंभीरता पूर्वक लेकर विचार किया जाए। कितने विभागों और कितनी योजनाओं को आप लोग कार्य करते हैं? हम लोग लगभग 36 विभाग और 200 योजनाएँ पंचायत के अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँचाने का कार्य करते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, लेकिन हमारा सरकार के कोई सुनाई नहीं कर रही है। खबर जांजगीर से। जांजगीर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुलिस को मुखबिर के सूचना मिली थी कि एक लड़का चाट के दुकान में कुछ नकली नोट खपा रहा है। तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दुकान में एक लड़के को द्वारा 200 के नोट दिया गया था, जबकि चाट की दुकान वाले को संदेह हुआ तो उसने पुलिस को ये जानकारी दी। पकड़े गए युवक के पास से 200 के 13 नोट बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी के पास से प्रिंटर मशीन और नकली नोट छापने की सामग्री को जब्त किया गया और आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया।
ये कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें पुलिस को मुखबिर के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का चाट की दुकान में कुछ नकली नोटों को खपा रहा है, जिसकी मुखबिर सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, जहां पर बनारी श्याम एग्रो राइस मिल के पास एक चाट की दुकान में उस लड़के के द्वारा 200 रुपये का नोट दिया गया था। और तत्काल ही जब चाट की दुकान वाले को उसके ऊपर संदेह हुआ तो उसने पुलिस को जानकारी दी। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उस लड़के को पकड़ा गया, जिसने अपना नाम भारती प्रसाद लहरे बताया, जो कि पौड़ी का रहने वाला है। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। विदिशा डिटर्जेंट की ओर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करप्ट। हां करेक्ट होता है बाबूजी, सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। घर में आएगी खुशियाँ जब दूध की नदियाँ बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्को मोर पशुआ। जब पशुओं को मिलेगा मिल्को मोर पशुआ है तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशुआ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जांजगीर के सबरिया डेरा के पास संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की लाश मिली, जिससे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कब्जे में ले लिया। शव की शिनाख्त अशोक कुमार यादव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुलमुला थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें ग्राम कोसा के ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि कोसा में सबरिया डेरे के पास एक संदिग्ध परिस्थिति में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। वहाँ पर जब पुलिस की टीम पहुँची और बाद में उसकी शिनाख्ती हुई तब पता चला कि उसका नाम अशोक कुमार यादव है और संदिग्ध परिस्थिति में उसका शव पड़ा हुआ मिला था, जिस पर मर्ग कायम किया गया है और उसमें शव को पीएम के लिए भेजा गया है। शव की जब पीएम रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ही जो भी तथ्य सामने आते हैं उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर विमेत्रा से, जहां सड़क निर्माण में लापरवाही की वजह से एक युवक की मौत हो गई है। बता दें कि सड़क निर्माण के दौरान गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया था, जिसमें गिरने से युवक की मौत हो गई। वहीं आक्रोशित परिजनों ने शव रखकर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि मृतक के परिजन ठेकेदार पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 3 घंटे बाद भी जवाबदार अधिकारी नहीं पहुंचे। गड्ढा है, इसमें गिर गए मोटरसाइकिल समेत, छोटा अस्पताल है, खत्म हो गया। उसमें मर्ग कायम हुआ है, पंचनामा कर लिए हैं। पीएम कराने के बाद उसमें जो भी डॉक्टर पीएम रिपोर्ट दे उसके आधार से उचित वैधानिक कार्रवाई किया जाए। कई घंटों से चक्का जाम है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। तहसीलदार साहब आए थे, हम लोग तो साथ में खड़े हुए हैं। उनके घर वालों को भी समझाएं कि क्लेम का केस बनता है, इसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। गरियाबंद जिले के चिंगरापार पर्यटन स्थल पर 30 दिसंबर को हुए महिला के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पूरा मामला अवैध संबंध को ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। महिला ने जब अपने प्रेमी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था तो प्रेमी ने अपनी पत्नी और साले के साथ मिलकर प्रेमिका को रास्ते से हटा दिया। सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि तीनों लोगों ने मिलकर महिला की हत्या को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम साहू, उसकी पत्नी धनेश्वरी साहू और लक्ष्मण साहू ने मिलकर महिला की हत्या को अंजाम दिया। कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्लाइंड मर्डर केस को डिटेक्ट करने में हमारी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है।
आप सभी लोगों को पता है कि बारूका क्षेत्र में हम लोगों को अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसकी पहचान ममता साहू के रूप में हुआ था। बाद में आसपास के थाना क्षेत्रों से पता करने के बाद में पता चला कि ममता साहू उसका निवास क्षेत्र था धमतरी के बेलौदी क्षेत्र में। डेड बॉडी की शनाख्तिकी के पश्चात हम लोगों ने, हमारी टीम वहां पर गई और वहां पर शमशान घाट जो उसके अंतिम संस्कार के समय में गया, वहीं से हम लोगों को सुराग मिला। जिला कराटे संघ व सेस्कई सूतो रियो कराटे द्वारा कराटे ग्रेडिंग टेस्ट भावा साहब भवन रावण भाटा में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस पिछड़ा वर्ग उपाध्यक्ष इंद्र साव, जिला कराटे संघ पूर्व संयोजक अरुण छावड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराटे प्रशिक्षक एशियन रेफरी सिहान अमल तालुकेदार के अतिथि में संपन्न हुआ। ब्लैक बेल्ट धारक चेतन सिन्हा और टिकेंद्र परघानी बलौत बाजार भाटपारा जिले कराटे संघ के सचिव समपाई अजय यादव ने गोपाल साहू, राम बिहारी ठाकुर, ऋषभ सिंह चौहान, हर्ष देवगन, प्रीतेश देवगन वे तमाम लोग मौजूद रहे। और हमारे तालुकदार सर आए हैं, हर समय आते रहते हैं और हमें एकदम बेस्ट सिखाते हैं और बेस्ट करने के लिए बोलते हैं और हम लोग को अच्छा लगा। और इस टाइम बहुत बच्चे लोग दिला रहे हैं और कार्यक्रम हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सेल्फ डिफेंस और स्पोर्ट अदर गेम भी कर सकते हैं, स्पोर्ट भी खेल सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल अदर और बहुत से गेम्स खेल सकते हैं। और ना स्पोर्ट में सेल्फ डिफेंस भी कर सकते हैं कराटे में और काटा भी होता है और फाइट भी होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए केएनएस इंडिया। नमस्कार।